This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. Welcome to A18 Telangana News. Graveyard committee members not allowing Tathfeen demandings to prove 5 years residence of area Rajendra Nagar. Later on, graveyard committee members clarified on allegation of not allowing Tathfeen. Watchful report, A18 Telangana News Bureau. Hello, Assalamu Alaikum. Bhai, 6 baje se phir raha hu main. हाँ, खबरस्तान के पूरे अजमियों के पास, इनसे उनके पास जाओ, उनको उनके पास जाओ बोल के ऐसे ही फिरा रहे। अभी तकरीबन 10:30-11 बज रहे रात के। पुलिस स्टेशन भी गया, कंप्लेंट भी करा, पुलिस भी आई। जब भी सलीम साहब भी फ़ोन करे तो नहीं, सलीम साहब को नहीं पहचानते। क्या कर लेते सलीम साहब, क्या कर लेते देखेंगे हम। हाँ, नहीं सुनते जाओ, सलीम साहब के बाहर की नहीं है जगह बोल के बोल रहे। हाँ, ये पाशा भाई बोले भाई, बशीर भाई बोल रहे। हाँ, बशीर भाई इसके कमेटी के है, कब्रस्तान की कमेटी के एक मेंबर है। हाँ, दूसरे जने पूरे जने फोन बंद कर लिए, कोई फोन खुला नहीं रखा हुआ है। पुलिस भी एक-एक के घरों पे खटके मार के चले गए। अब क्या करना है आप भी बताइए। फिर के थक गए पूरा। अब डेड बॉडी घर में रखी हुई है, मुँह से खून जा रहा। अब क्या करना है क्या नहीं। हाँ हाँ, ये मकान तो हम लोग नया लिए सो है। यहाँ पे हमारे सारे साहब 8 महीने हुआ मकान लेके इस जगह के ऊपर। रजिस्ट्री में इतना भी बोला, भाई आपको यकीन ना रहा तो चल के रजिस्ट्री पेपर देखो। अभी ना यहाँ के मुखीम है। हाँ, कहीं भी लग जाके दफा पड़े जी। ससुरे हो ना, ससुरे साहब है मेरे। हाँ, तो कमेटी का एक ही आदमी मिला, कोई भी नहीं। इतना तक के साहब फोन नंबर देने को तैयार नहीं है। वहाँ पे 15-20 जने ऐसे दाढ़ियाँ रख लेके खड़े हुए हैं। लेकिन उनको मैंने कहा था, जब मैं बाद में गया, उन घर पे थे। हाँ, तो भाई जाके कि ठुड्डी को हाथ लगा के पूछा तो कोई फ़ोन नंबर देने को तैयार नहीं है। बोलते नहीं भाई, नहीं मालूम। इतना था कि जो काउंसलर हैं उनके भाई भी खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने भी बोले नहीं मालूम भाई। हाँ, फिर देखे नहीं, उन्होंने मिले, उनका फ़ोन बंद हो गया। मैं PS को गया तो सरकार साहब चारों खत फ़ोन करे मेरे सामने, फ़ोन करे तो बेल बजी। बनने के बाद उसके बाद बंद कर लिया उन्होंने फ़ोन, उठाए कि नहीं। सरकार साहब का भी फ़ोन नहीं उठाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस आई सब, ये राजेंद्र नगर। हाँ, तो आई, वहाँ भी पाप बेचारे 2 घंटे फिरे मेरे संगा, इनके घर पे, उनके घर पे, उनके घर पे। नहीं देते जी, जाओ क्या करते कर लो, जाओ जो करना है कर लो जाओ। हाँ, और उन बोले कौन से घोड़े वो बकबोट। नहीं, वो गोड़ का नाम ले रहे हो, प्रकाश गोड़ को जाओ, प्रकाश गोड़ के पास जाके पूछो मेरा नाम, मैं कौन हूँ, ऐसा बात कर रहे हो। हाँ, अब क्या करना है क्या है अब आप लोग देखिए। आप सुबह तक इंतज़ार करेंगे हम लोग, उसके बाद से क्या करने का है, हम लोग जनाजे को तैयार करके ले जाके कहाँ रखने का है रखेंगे। आप लोग क्यों ठहरे यहाँ पे? इन्होंने बोले कि ऐसा इंतकाल होगा, तो मैं बोला कि देखिए बस्ती के थोड़े रूल्स है, और आप कितने दिन हो रहा बोलते, इन्होंने बोले कि 3-4 महीने हो रहा। तो मैं बोला आप एक दिन भी पहले तो मस्जिद में आके नमाज़ पढ़े नहीं, किसी से ताल्लुकात है नहीं आपके, फिर भी मैं क्या है मस्जिद की तरफ से। इन्होंने क्या बोले कि मैं फसलानसर में हमारा है रिश्तेदार, ओल्ड सिटी में है बोले। तो मैं क्या बोला, अगर आप वहाँ पे यहाँ पे तदफीन नहीं भी हुई, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो भी मैं मस्जिद की तरफ से डोला देता हूँ, जो भी हो सके देता हूँ। तो फिर भी क्या है, इन्हों घर पे जाके इनके साथ क्या गलत इश्यूज़ हुआ कि इनके जो घर में थोड़े गलत स्टेटमेंट दिए कि इनके साथ थोड़ा आता पाई हुई, इनको ढक ले और इनसे क्या है थोड़ा बातचीत सही नहीं करे, तो ये सब गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में एकता है और खलूस से रहने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे बाहर के ऐसे आदमियाँ हैं जो हम खुद आगे बढ़ के उनको क्या है यहाँ पे तदफीन करने दिया। और हमारी सबसे बस्ती की अहम जो एक वजह है कि हम यहाँ पे जिसका इंतकाल होता तो उसको खबर खोदने के लिए खुद बस्ती के नौजवान बच्चे आगे जाते, तो आज इन्होंने क्या है लेबरों को लगा के खबर खुदा। ये भी बहुत अफसोस की बात है, क्यों बोलते ऐसा एकाध बार ये मौका होता कि एक गैर कौम के लोग आके खबर खोद रहे। हमारी बस्ती में हम जब इंतकाल होता किसी से पैसे नहीं लेते, और ख़ुद बस्ती के जिम्मेदार लोग आके जगह बताते, और बस्ती के नौजवान बच्चे आके खुद अपने हाथों से खबर खोदते। तो ये पहला मौका है जो आज लेबर मजदूर आके खबर खोदें, तो इस वजह से हमारे को तकलीफ हुई। दूसरा देखिए, हमारे कोई इनसे ऐसा दिल में वो नहीं है कि ज़ाती दुश्मनी कि हम इनको तकलीफ़ पहुंचाना, ये हर एक को आखिरी जगह है, हर एक को जाना है। तो ऐसा आइंदा से कभी किसी के ऊपर गलत तोहमत मत लगाइए, और किसी को इसमें ताखिर करना भी किसी का इंतकाल हुआ ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब किसी का इंतकाल होता तो मौत उन्हें कहाँ दफन होना है लिखा लेके नहीं आता। तो ये जो भी हो सका इसके लिए क्या है, मैं इनसे भी थोड़ा माजरत चाहता हूँ, और इनको भी मीडिया के सामने ये खुलासा करो बोल रहा हूँ कि इनसे थोड़े
माजरत हो, गलती हो गई जिसके लिए इन्हों बस्ती के तमाम लोगों से अगर माजरत चाहे तो ये अच्छा है। हमको मानना भी नहीं था, हम साहब के सामने बोल के गए देखो साहब अब क्या करना, कोई भी नहीं दे रहे, हम पुलिस के जा रहे, वो तो पुलिस से आए थे हम लोग, हो गया हमारे से, माफी चाहते बोले। इससे क्या होता, आंटी जो स्टेटमेंट दिए मीडिया में उससे जो है ना लोग काफी अपने जो मुसलमान भाई है और भी जो है ना अपने जो भाई है वो लगा जो है ना परेशान होते, अरे भाई ऐसा रो रहे हैं